हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं कौशल किशोर शर्मा आप सभी लोगों का इंग्लिश पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं। और टोटल जो सेंटेंस हैं आज की क्लास में वो हैं आपके 15। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश माई न्यू कोर्स। आपको बताना है स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टार्टेड एंड टू स्टार्ट, कौन सी यहाँ पर करेक्ट वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर मैं रूल बता दूँ कि आपको रूल कौन सा फॉलो करना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ पर देखना है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो आपकी तीन तरह की होती है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंड, उनका आपको यहाँ पर रूल समझना है। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माई न्यू जॉब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं तो वो आप जीरंड फॉर्म में ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एंड क्वेश्चन नंबर टू में है दे कांट हेल्प अस, वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। द हाउस, मूव द हाउस, मूव इन द हाउस, मूव्ड द हाउस, या फिर होगा मूव टू द हाउस। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट हेल्प, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो होती है आपकी बेयर इन्फिनेटिव। ध्यान रहे, इसके बाद क्या यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू में ये होगा आपका मूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है थ्री, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में है सी रिफ्यूज्ड डैश द फोन, आंसर, टू आंसर, आंसर्ड, या फिर आंसरिंग। तो रूल कौन सा फॉलो होना है, यहाँ पर आपका नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होना है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में याद कर लो रिफ्यूज टू डू समथिंग होता है, यानी कि रिफ्यूज के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी रिफ्यूज टू आंसर द फोन। और इसमें है आई डोंट माइंड डैश द रेस्टोरेंट, टू द रेस्टोरेंट। तो ड्राइविंग, ड्राइव, ड्रॉप, या फिर ट्रू ड्राइव। तो यहाँ पर भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का रूल फॉलो होगा, और यहाँ पर क्या है माइंड वर्ब के बाद आपका जो यूज होगा वो यूज होगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि आई डोंट माइंड ड्राइविंग टू द रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर में। नेक्स्ट है सेंटेंस फाइव, वी इंकरेज्ड देम डैश अ न्यू बिजनेस, हमने उन्हें क्या किया है नए बिजनेस के लिए, सेटिंग अप, टू सेटअप, सेटअप, या फिर बुट सेटअप, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर फाइव में। तो यहाँ भी ध्यान दें, यहाँ भी आपका जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वी इंकरेज्ड देम सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंसेस, हिज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम डैश आफ्टर 10 o'clock। यहाँ पर ध्यान से देखो तो अलाउ वर्ब आपको मिलेगी, ध्यान रहे जो जितनी भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, तो वहाँ पर आप मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपकी इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स यूज की जाती हैं। इन सब के बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आप लोग रूल्स पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्टे अप, टू स्टे अप, स्टे अप, या फिर स्टेड अप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए अलाउ टू डू समथिंग होता है, अलाउ समबडी टू डू समथिंग, दैट मीन्स यहाँ पर आपको टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस सेवन, आई विल बी बैक इन टच डैश सून पॉसिबल, एज, लाइक एज, या एज एज, दो जगह पर फिल करना है, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आई विल बैक इन टच एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस सेवन में। नेक्स्ट है सेंटेंस एट, दिस वाइन टेस्ट डैश विनेगर, लाइक एज एज, लाइक, या फिर, अच्छा ये लाइट्स है, ये लाइक है, और एज, कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर एट में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दिस वाइन टेस्ट लाइक,
लाइक विनेगर, ठीक है। लाइक यहाँ पर एज ए प्रपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नाइन, एंड सेंटेंस नाइन में है, आई हैव नोन एंडी फॉर ईयर्स, ही वेंट टू द सेम स्कूल डैश आई डिड, यानी मैं एंडी को कई साल, मैं सालों से जानता हूँ, वह उसी स्कूल में गया जब जहाँ पर मैं गया। सेम लाइक, सिमिलर टू लाइक या फिर एज। क्वेश्चन नंबर नाइन करेक्ट आंसर, तो ही वेंट टू द सेम स्कूल एज आई डिड। एज आई डिड मतलब देखो, एज के बाद आता है आपका क्लॉज और लाइक के बाद यूज होता है फ्रेज, तो बस सिंपल सा पॉइंट याद कर लो। तो आई डिड मतलब आई वेंट टू द सेम स्कूल जहाँ पर एंडी गया वही। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर है आपका डी, सेंटेंस नाइन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, माई सिस्टर इज अ टीचर डैश मी, यानी मेरी बहन मेरी तरह कौन है, टीचर है। लाइक होगा, सिमिलर होगा, लाइक होगा या फिर एज। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ओनली वन वर्ड है यहाँ पर, आपका क्लॉज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 11, वी हैड अ न्यू टीचर टुडे कॉल्ड मैरी, यानी कि आज एक नई टीचर आई जो जिनका नाम क्या है, मैरी है। व्हाट वाज शी लाइक या लुक लाइक या लाइक होगा या फिर एज होगा, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट वाज शी लाइक। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 12, हु डू आई लुक एज, माई मदर और फादर, यानी मैं किस तरह का दिखाई देता हूँ, माँ की तरह या पिता की तरह। तो लाइक, मोर लाइक्स या फिर एज, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 12 में? तो माई मदर और फादर आपका फ्रेज हो गया, तो फ्रेज के साथ आपको क्या लगाना है? लाइक। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 12। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 13, शी इज रियली एनॉयज मी, आई कांट स्टैंड पीपल हर, आई कांट स्टैंड पीपल लाइक हर कंपेयर टू लाइक या फिर एच। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यहाँ पर क्या है, हर आपका वन वर्ड है, क्लॉज नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइक हर होगा ना कि एच। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 14, आई विल सी यू टुमारो एट 11 डैश यूजुअल, यानी मैं तुम्हें टुमारो मिलूंगा कल 11 बजे रोजाना की तरह, तो क्या यूज होना? लाइक, एज एच, लाइक या फिर एज। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर एक फ्रेज है आपका एज यूजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एज यूजुअल आपका पूरा फ्रेज है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15, इट इज जुलाई एंड द वेदर इज आवफुल, जुलाई है और वेदर बहुत ही आवफुल है, इट इज डैश इन विंटर, इट इज लाइक, एच लाइक, लाइक या फिर एच, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 15 में? तो इन विंटर आपका फ्रेज है, जो कि राइट आंसर होगा फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइक। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आई होप क्लास के सेंटेंस में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई वो भी बता सकते हैं, टोटल स्कोर आप लोग बता सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।